नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ जिसका नाम है बादशाही चिकन। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये बादशाही चिकन मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही यूनिक सा एक प्रोसेस है इसे बनाने का, तो चलिए जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, नहीं तो मसाला जो है वो जल जाएगा। हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है यहाँ पर काली मिर्च ऐड किए हैं, 3 से 4-5, आप जितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो, लेकिन ऐसे ही 3 से 4-5 ये आप इलायची और थोड़ा सा एक दालचीनी का स्टिक जो है वो मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया ऐड करूँगी और 1/2 टीस्पून मैं सौंफ ऐड करूँगी। सौंफ जो है वो बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, और ये जो सौंफ मैं ऐड करूँगी इससे ही जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और इस चिकन जो रेसिपी है इसमें बहुत सारी यूनिक प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। ये अब मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसका मॉइस्चर जो है उसे हमको कम करना है जिससे कि ये एक अच्छा सा फाइन पाउडर बन सके। बस तब तक ही हमें थोड़ा सा भूनना है। ये अब भून चुका है, हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में एकदम अच्छे तरीके से पाउडर बना लेंगे। उसी कढ़ाई में जिस कढ़ाई में मैंने मसालों को फ्राई किया है, अभी हमको तेल ऐड नहीं करना है, बिना तेल के ही मैं इसमें प्याज जो है करीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है मैंने इसको रफली चॉप्ड कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप मोटा भी रख सकते हो क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, हरे पके जो मिर्च होते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, खूब सारी लहसुन की कलियाँ हमको यहाँ पर ज़रूरत होती है, अदरक यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है लहसुन की कलियाँ से, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के, पूरा भर के मैंने यहाँ पर धनिया ऐड किया है। बस यही 4 चीज़ हमको ज़रूरत है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तब तक हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है। जब जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसको भी पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। देखिए यहाँ पर ये जो सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के हमको इसको ठंडा करना होगा। पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में देके एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल ऐड कर लिया, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप कोई और तेल यूज़ करना चाहते हो तो वो आप अपने पसंद से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ी इलायची यूज़ किया है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया यूज़ किया है। करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, एक अच्छा सा एक स्मेल आने लगे, उसके बाद ही मैं इसमें जो हमने पेस्ट किया हुआ है, जो प्याज धनिया पत्ती ये इसका जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। आपको शायद लग रहा होगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन नहीं, जब हम मसाले ऐड करते रहेंगे उसमें तब आप देखिएगा ऑयल जो है बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। तो हम इसमें पहले थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, फिर चलाएंगे, क्योंकि काफ़ी मसाला जो आपका पेस्ट है बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे जिससे कि मसाले जो हैं वो जले ना, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे और मसाले को मिक्स करते रहेंगे। देखिए अब मैंने सारे मसाले जो है ऐड कर लिए हैं। करने के बाद अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भून लेना होगा। ये प्रोसेस जो है वो मीडियम फ्लेम में ही होगा, हाई फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं तो जल जाने का ज़्यादा डर होता है, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम में ही मसाले को चलाते रहेंगे और थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर यूज़ किया है मैंने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक।
देखिए अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके और एक मिनट हम इसे मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए एक मिनट हो चुका है, मसालों को हमने एक मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में भून लिया है। अब जो हमने पाउडर रोस्ट किया हुआ था, जो मसाले उसका जो पाउडर हमने तैयार करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड करने के बाद और दो मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हमने चिकन को पहले से ही थोड़ा सा दही ऐड करके मैरिनेट करके रख लिया है। सिर्फ दही ऐड किया है और उसमें कुछ ऐड नहीं किया है, ना नमक ना कुछ भी नहीं, जस्ट सिर्फ दही के साथ हमने उसको मैरिनेट कर लिया है, जिससे कि दही ऐड करने से चिकन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए हमने इसको ऐड करके आधे घंटे के लिए चिकन को रेस्ट करने के लिए रखा था। अगर हो सके तो आप एक दो घंटे भी रख सकते हैं, इससे चिकन जो है वो और ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट होगा। चिकन हमने इसमें ऐड कर लिए है करके, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ, जिससे कि चिकन के अंदर मसालों का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आए। इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से मसालों के साथ चिकन को मिक्स करना होगा। देखिए यहाँ पर चिकन को हमने मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल मत कीजिएगा, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे दूध का। दूध से ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्ट इसका बिल्कुल क्रीमी टाइप का टेस्ट आएगा और इसका फ्लेवर इतना बढ़िया होता है, आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। हम दूध देने के बाद इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी थोड़ा थिक है तो आप इसमें और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल मत दीजिएगा। उसके बाद हम इसको ढक के बिल्कुल लो फ्लेम में 30 मिनट्स के लिए इसको पकाएंगे। बीच में आप एक बार निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मसाले जल रहे कि नहीं। देखिए 30 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन निकाला है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी ग्रेवी इतनी ही थिक हमको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसी तरीके से हम अब सर्व करेंगे। आप किसी के साथ भी ये ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हमको और ज़्यादा नहीं कुक करना है, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरीके से सर्व कीजिएगा। आज की मेरी रेसिपी बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी। नमस्ते।